साथियों, मशरक वस्ता या जिसको आप मध्य पूर्व भी कहते हैं या मिडल ईस्ट कहते हैं, इस खित्ते के अंदर जो कशीदगी या तनाव इस वक्त है, लोगों की जाने जा रही हैं, जंगजदा इलाकों के अंदर हज़ारों लोग मारे गए हैं, बल्कि लाखों की तादाद भी बताई जाती है, वो अलग बात है कि इदारे आपको शायद हकीकत से दूर रखें। 5 नवंबर साल 2024 और नवंबर की 5 तारीख को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। 47 के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर थे, उन्होंने 53 बैलेट्स जीते, 53 स्टेट से वोट ज़्यादा लिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगले सदर बन चुके हैं। अब 20 जनवरी को उनको सदर बनना है, यानी ऑफिशियली वो हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, बतौर सदर वो जिम्मेदारी संभालेंगे। हो सकता है कि भारत पाकिस्तान से भी मेहमान वहां जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अलग है, ये वाजहे कहते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो इनका लहजा है, काम करने का जो तरीकाकार है वो बड़ा अच्छा है। लेकिन आप सबको याद होगा, जब ये शिकस्त इनको मिली थी, जब ये हारे थे, तब भी लोगों ने जो बाइडन के बारे में इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया था, यही तसव्वुर लोगों ने किया था कि शायद यही सोच विचार, यही तरीकाकार या अच्छा अंदाज शायद डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे ले जाते हुए जो बाइडन करेंगे, रिपब्लिकन उम्मीदवार शायद काम करेंगे। लेकिन अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी सदर बने नहीं, जीते। जो बाइडन ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, 20 तारीख तक फिलहाल वो सदर हैं, और पूरी हुकूमत का इंटरिम गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। लेकिन इक्तदार में आने से पहले ही जो लहजा, जो तरीकाकार काम करने का होगा, या जो एग्रेशन होगा, जो जाहिरियत होगी, जिस हिसाब से आप देखेंगे आक्रामक डोनाल्ड ट्रंप नज़र आएंगे, और जिस हिसाब के वो संकी हैं, एक सियासतदान से ज़्यादा वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन बाद में है, वो कैसे पूरे मुल्क को तबाह कर सकते हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि उन्होंने एक धमकी दी मिडल ईस्ट के अंदर कि अगर यरगमालियों को, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने जिन इजरायली लोगों को अपने साथ उठा कर लिया, जिनको लेकर वो चल बसे, जिन लोगों का अपहरण किया गया, 239 जो लोग थे, 7 तारीख को जो हमास ने हमला किया इसराइल पर, उस दिन जिन लोगों को उठाकर साथ अपने इसराइल के लोगों को हमास लेकर गया, अगर उनको वापस नहीं किया गया, अगर उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हुई, तो मशरक वस्ता को भी मुकम्मल तौर पर जहन्नुम बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अमेरिका के अगले सदर कुर्सी पर बैठने से इस तरह बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब होता यह है कि यहां से आगे जाते हुए 20 तारीख को जब वो जिम्मेदारी संभालेंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, और मेरे पास ट्वीट मौजूद है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुसलमान अगर मुझे वोट दे, अगर मिडिल ईस्ट में वो जंग खत्म कराना चाहते हैं, मुझे वोट दे। इलेक्शन से जब कैंपेन एंड होनी थी, लास्ट फेज में जाकर लास्ट मोमेंट पे मुसलमानों ने उनकी हिमायत का ऐलान किया। क्रिश्चियंस भी आगे आए, उनने कहा कि उनके साथ भी धोखा हो रहा है, जिस हिसाब से जो बाइडन यहां पर एक बात मिडिल ईस्ट में दूसरी बात जाकर कर रहे थे, तो फौरी तौर पर यहां बदलाव होना चाहिए। अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप नौमंतखब अमरीकी सदर हैं, लिखते हैं अपने ट्विटर पर भी, हल्फ बर्दारी की तकरीर से पहले ही कहते हैं कि अगर इसराइल के जो यरगमाली हैं, जो होस्टेजेस हैं, उनको रिहा ना किया गया, तो मशरक वस्ता को जहन्नम भुगतने की धमकी दी है, एक बात। इसके अलावा कहते हैं कि वो लोग जिनने इंसानियत के खिलाफ इन मजालिम का इंतकाब किया, वो इसकी कीमत अदा करेंगे। यानी ये भी मिडिल ईस्ट वालों को, अब सीधी सी बात है, जो तंजीमें कर रही हैं, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रही हैं, चाहे आप एक साइड से जाएं हिजबुल्ला को देखें, ईरानियन बैक्ड तंजीम है, दूसरी तरफ आप हमास की तरफ चले जाएं, हौसी बागियों की तरफ चले जाएं, यमन से जिनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल हो रही है, बाकी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, लश्कर तंजीम है, जिहाद फलस्तीन है, कामिल है, ये वो सारे ग्रुप्स हैं जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। 33 यरगमाली हलाक हो चुके हैं, कुछ लापता हो चुके हैं 14 महीनों के इस जंग के दौरान, और अपनी जो अहमकाना जंग है इसराइल की, वो फलस्तीनियों के खिलाफ लाखों लोगों को शहीद करने के बाद भी जारी है। अब अगर किसी को ये ख्याल है, किसी के जहन में जरा सी भी ये बात है, कोई ये सोच रहा है, कोई ये मान कर बैठा है कि ये जंग खत्म हो जाएगी, तो आप गलत फहमी में हैं। अमरीकी सदर या फिर अमेरिकन
कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मिश्रक व्यवस्था के अंदर ये जंग खत्म हो जाए। अगर ये खत्म हो जाए तो इक्तसादी तौर पर अमेरिका भी कमजोर होगा, वो इसलिए क्योंकि 2600 मिलियन डॉलर्स के हथियार सिर्फ इसराइल को ईरान और उसके आसपास जितने भी छोटे ग्रुप बड़े ग्रुप्स हैं इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका अभी तक भेज चुका है। ये डील बाकायदा सेनेट से होती है, सदर के कहने से खाली कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि जंग खत्म करवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, इसके नतीज भी आप देखेंगे। याद रखिएगा मेरी वीडियो रिकॉर्ड रखें आप, मैं जरूर अगली वीडियो में बताऊंगा कि उनके आने के बाद सूरत हाल इससे भी अबतर होगी। इसकी 5-6 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। अगर सिर्फ 8 महीने की इस जंग में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के 17 बयान आए, कहते हैं कि अगर मैं होता तो अरब की यह हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका किसी किसी इतिहादी के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ इस तरीके से हथियार उठाता। ब्राह रास्त धमकियां देते थे, ये तो तब बात थी जब वो एक मुजरिम थे, FIA उनके पीछे पड़ी थी, इलेक्शन में धांधली और कैपिटल हिल्स पर 6 जनवरी को जो कुछ उनने 2020-21 में करवाया उसके इल्जाम थे, वो मुजरिम थे। लेकिन उन कोर्ट्स के संगीन किस्म के जरायम के बावजूद या केसेस के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप इकतदार से बाहर बैठकर ये बातें कर रहे थे। जब वो कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या वो हश्र करेंगे, या आप अंदाजा लगाइएगा। और वो किस हिसाब से फैसले लेता है, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं हैं। तो ये एक धमकी है जिसके मनफी नतीज होंगे, क्योंकि जवाब देने की बात भी कही गई है, और अफसोस का इजहार तो शायद अब लाशों पर, इसके अलावा कुछ हमारे पास बचा भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।